Welcome student, my name is Sachin Kumar from Express School and College Sachin campus, and today we are going to discuss about the communication, especially in the class 4 social studies. Communication किसे कहते हैं? Communication एक ऐसा तरीका, एक ऐसा वे है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप एक दूसरे से आप कांटेक्ट या कनेक्ट रह सकते हैं. ठीक है, मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन एक सपोज आपके दो जो भी सर्कल फ्रेंड हैं या आपके रिलेटिव्स हैं तो आप उनके ज़्यादा सी बात आप उनसे कनेक्टेड हैं, तो ये एक फॉर्म है आपका कम्युनिकेशन का. ठीक है, जिससे आपका एक दूसरे से रबते में रहना. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन एक दूसरे से रबते में रहना, एक दूसरे से हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन के मतलब ले सकते हैं. ये समझो एक फॉर्म है जिससे आप कनेक्ट रहते हैं अपने जो भी रिलेटेड या जो भी से आप कनेक्ट हैं. पुराने ज़माने में पता क्या होता था? पुराने ज़माने में जब ये चीज़ें एक दूसरे ममालिक थे, जो उसके नाम से एक ऐसा कंट्री था जो दूसरे कंट्री से, अब वो कैसे कनेक्ट हो, कैसे कम्युनिकेशन किया जाए. ठीक है ना, तो वो कम्युनिकेशन वो करते थे स्पेशली स्पायरसी समर के वसीली करते थे, समंदर के वसीली बात करते थे. उनका एक अपना सिस्टम था. ठीक है ना, तो ये सारे एक फॉर्म है कि जो इससे वो क्या होते थे, एक दूसरे से रबते रहते थे. उनका एक अपना ट्रेड भी किया, ट्रेड भी सिस्टम होता था, एक दूसरे से वापस जो भी होता वो भी होता था. ठीक है, उसके अलावा हाउ कैन वी सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, मतलब हम अपना जो पैसा या जो हम पोस्ट ऑफिस की वजह से मतलब थ्रू हम कैसे एक दूसरे को पैसे मतलब सेंड कर सकते हैं. ठीक है, तो हम वो सेंड करेंगे बाय द मनी ऑर्डर की वजह से. हम क्या करते हैं? अपना पैसा एक दूसरे को मतलब सेंड करते हैं थ्रू द पोस्ट ऑफिस. ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस की वजह से हम एक दूसरे को सेंड करते हैं. तो यहाँ पे आपका सिंपल जो आपका आंसर आ रहा है वो क्या है कि हाउ कैन वी सेंड मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस. आप अपना पैसा या हम अपना पैसा जो भी पैसा मतलब एक दूसरे को कैसे सेंड करते हैं? थ्रू द मनी ऑर्डर. ठीक है ना, मनी ऑर्डर की वजह से हम सेंड करते हैं. ठीक, उसके अलावा वाई डू सम पीपल प्रीफर्स टेलीविजन रेडियो एंड न्यूज़पेपर. ठीक है, लोग मतलब इस चीज़ को क्यों तरजीह देते हैं, क्यों उनको मतलब टीवी को ज़्यादा, टीवी है या आपका समझो एक रेडियो हो गया, या इसके अलावा आप जो न्यूज़पेपर को स्पेशली क्यों तरजीह क्यों देते हैं? क्योंकि ये एक आपका फॉर्म है कम्युनिकेशन का, जिसकी वजह से आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है, हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस आपको मिलती है. तो ये भी एक आपका समझो एक फॉर्म है जिसका कम्युनिकेशन का. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फोर नंबर है, व्हाट आर द एडवांसेस सोर्स ऑफ द कम्युनिकेशन. ऐसे कौन से जो सोर्स है, ऐसे कौन से वसाइल है जिसकी वजह से आपको हर चीज़ के बारे में आपके कम्युनिकेशन का, जो आप एक दूसरे से रबते जब रहते हैं, तो ऐसे आजकल के दौर में, आज के जो टेक्नोलॉजी या मॉडर्न दौर में ऐसे कौन सा सोर्सेस जो है जो आप एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं? अच्छा, जैसे कि आज सोशल जो चीज़ें हैं, जो जैसे कि हम इंटरनेट आ गया, ठीक है, टेलीविज़न आ गई है, और बहुत सारे एडवांस जो तरीके आ गए जो जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट रह सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? एडवांस सोर्स है जो आज का स्पेशली यूज हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा 5 क्वेश्चन है, फॉर व्हाट टीवी इज यूज. हम टीवी क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करें? इस चीज़ के लिए क्या हमें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हो, हमें जो भी न्यूज़ है या एजुकेशन के हवाले से होती है, या हमें नॉलेज की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं मतलब जो भी कंट्री में कुछ हो रहा है उसके बारे में हमें टीवी हमें इंफॉर्मेशन देती है, नॉलेज मिलती है.